Hello and welcome everyone to The Human Connect, connecting people to the lifesavers. This is Richa Mehta. I'm a model, actor, entrepreneur and have endorsed over 100 endorsements I have done for brands. Along with that, I'm also a chat show host and I have done a couple of good brands under my kitty. However, मैं ये सब इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ भी हम चाहे, कुछ भी हम करने की सोचे, वो सिर्फ एक पैशन, डिटर्मिनेशन, योर जील ऑफ डूइंग थिंग्स, सिर्फ उसी से हो पाता है। ह्यूमन कनेक्ट वो ही सब चीज़ों को पूरा करता है। ह्यूमन कनेक्ट इज़ नॉट ओनली अबाउट सेलिब्रिटीज, वो आप सबके बारे में है। If you want to get in touch with us or any of the team members and talk about your aspiration, or if you want to join the team, we will be more than happy to welcome you. Human Connect आपकी सारी aspirations, आपकी determination, आपकी achievement को पूरा करने की कोशिश कर सकता है अपने माध्यम से. While we talk about this journey, I would also like to thank Radio City for being our partner and has been able to showcase our viewership to millions of people. It would not have been possible without our fans, followers who are watching from across the globe. जहाँ मैं इतना सब कुछ बोल रही हूँ, जहाँ मैंने इतना सब कुछ बोला और मैंने कोशिश करी, बट हमारी पूरी टीम ऑफ ह्यूमन कनेक्ट से आप सबका दिल से शुक्रिया. आई वुड रिक्वेस्ट द प्रोडक्शन टीम, हमारा जो लोगो है द ह्यूमन कनेक्ट का एंड हमारा जो जिंगल है जो कि रेडियो सिटी ने खुद हमें करके दिया है, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू प्लीज प्ले दैट. द ह्यूमन कनेक्ट सैल्यूट करते हैं द स्पिरिट ऑफ लाइफ सेवियर्स को. दिल से यू निकला है, हाँ निकला एक पैगाम, जिंदगी को फिर से तुमने हाँ लिया है थाम. राहों में तुम रहे हो खड़े, लिए हथेलियों पे भी जान. करता नहीं कोई जो कुछ है तुमने किया. तुम्हें मेरा शुक्रिया, तुम्हें दिल से शुक्रिया, शुक्रिया. तुम्हें मेरा शुक्रिया, तुम्हें दिल से शुक्रिया, तुम्हें दिल से शुक्रिया, शुक्रिया. इस मुश्किल वक्त में जिन्होंने थामे रखा आपका हाथ, दिया हर कठिन कदम पर आपका साथ, द ह्यूमन कनेक्ट करता है उन्हें दिल से शुक्रिया. द ह्यूमन कनेक्ट, कनेक्टिंग पीपल टू लाइफ सेवियर्स. This is the 8th episode. जब मैं 8th episode की बात करती हूँ, it's mix of emotions, laughter, cherished moments, proud moments and what not. This season is been presented by The Human Connect. It's been presented by Kailash Silver Leaves and Mr. Sanjay Mittal, who needs no introduction. While we welcome everybody, आज हम हमारे guest की तरफ जाते हैं जो कि बहुत special है. Somebody who has been a multi-dimensional personality and has been representing youth proudly. I would like to welcome our guest for today. He is an actor, rapper and singer. And एक छुपी हुई उनकी एक चीज़ है जो अभी तक सामने नहीं आई है, उसी चीज़ से हम शुरू करेंगे क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत एक अच्छी सोच, भगवान को याद करते हुए होती है. So I would request the production team to please welcome our guest for today, Rapper Maddy. Hi, what's up? How you doing? I'm doing good. Thanks for coming to Human Connect. Thank you. I just wanted to sing this amazing song, which I totally love from my heart, and I think everyone was going to enjoy it as well. It's Ram Naam Ati Meetha Hai, Koi Ga Ke Dekh Le. आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले. राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले. आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले. आधे नामों पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, आधे नामों पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम हो मोल चुकाने वाला, अपने दिल में कोई ज्योत जला के देख ले, कोई शबरी झूठे बेर खिला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, अश्वतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। क्या बात है, रैपर मैडी और डिवोशनल सिंगिंग। अरे तो भगवान तो सबके है ना, चाहे रैपर हो चाहे इन सबका जॉनर की बात करते हैं। मैडी, आई फील दैट दिस इज अनदर जॉनर व्हिच यू शुड स्टार्ट डूइंग इट बिकॉज़ योर वॉइस मैजिकल पावर ऑफ यू नो हिटिंग द जिंगल्स, जो वो बेल्स नहीं घंटियां नहीं बजती। अरे बाय द वे जिंगल से याद है, मैंने बहुत सारे जिंगल्स ऑलरेडी रिकॉर्ड करे हुए हैं, ये मैंने बताना भूल गया था मैं कल आपको। मैंने बहुत सारे जिंगल्स रिकॉर्ड करे हुए हैं, मेरा लाइक एक पूरा बंडल है 200 जिंगल्स का। सो सम अदर डे सम अदर टाइम बट देन यस। और मैं यार एक्चुअली मैंने कभी ना ऐसा नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक में इस जॉनर के लिए जाऊंगा। I was here because I loved music and I felt so spiritual and so connected to God with it, and also human connect, like आपका जैसे human connect का ही सारा वो है, तो मुझे connection लोगों से महसूस होता था, मैं गाता था, उन्हें अच्छा लगता था, and you know that's how we used to connect. So हर एक का एक अपना तरीका होता है, और with that being said, music is the best thing which can connect people all over the globe, everywhere. मुझे possibly कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि aliens भी होते होंगे ना, वो भी सुनते होंगे हमारे गाने for no reason कि ठीक है चलो इनसे भी connect करते हैं। Yeah, I'm sure about that. And Maddy, in fact, हमने singing की बात करी और हमारे पास चाहे कोई किसी भी मूड में हो, वो सोचता है, चाहे वो अकेले बैठा होता है या फ्रेंड्स के साथ बैठा हो, सिंगिंग इज समथिंग व्हिच टचेस एवरीबॉडीज हार्ट. बट coming back to what I was stating, you know, being a devotional, having a devotional touch, Rapper Maddy being an actor, you know, being a rapper, being a singer, and being able to cope up with so many things which you are doing right now. We would like you to tell us our viewers about your journey and also about your Splitsvilla fame, which people talk about, you know, happy-go-lucky. I think you know, Splitsvilla did not give me the fame which I'm talking about. One audition gave me the fame. Okay, that was the Roadies audition. मतलब वो Roadies audition मुझे जो मेरे को first information दी गई थी वो ये दी गई थी कि that audition was watched in 1 hour by 9 lakh people. And that was this brand who used to host that online audition. They were like, dude, this just boomed so badly, right? Like so, and then, you know, I went to obviously Splitsvilla. वो तो था ही जो भी था. लेकिन, you know, मेरी journey कभी इसलिए ये सोच के नहीं हुई थी कि मैं ये करूँगा, you know. मैं अपना काम करता रहा और जो भी मैं करता रहा मैं ये सोचता था यार ये बहुत अच्छा साउंड करना चाहिए, whatever is moving out from my studio या मेरे स्टूडियो से कुछ भी जो बाहर निकल रहा है, it has to sound good. हम पूरी कोशिश करते थे फिर, और जो भी हमसे बेहतर हो सकता था, एंड वो काम की वजह से दूसरे लोग पहचानते गए एंड देन आई काइंड ऑफ बिल्ड इट अप टू द लेवल वेयर आई कैन डू थिंग्स फॉर माय ओन. तो बस यही था, जर्नी का यही रहा है. बट हाँ, जैसे कि हर एक की स्टोरी में होता है यार कि कुछ लोग बहुत टफ टाइम फेस करते हैं, मैं भी बहुत टफ टाइम मैंने भी फेस किया, बट मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा. व्हाट एंड्स वेल इज ऑल वेल, सो इट ऑल मेक्स सेंस टुडे, क्योंकि वो शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये प्रिपरेशन ही हो रही है मेरी ना बेहतर होने के लिए, जैसे कहते हैं आरी तेज हो रही थी पेड़ को काटने के लिए, तो उस तरीके से वो वाला सीन था, या किसे कहें कि हीरे की तराश पड़ रही थी, या लोग हीरा तराशा जा रहा था, उस तरीके से जैसे समझे. तो जर्नी मजेदार रही है यार, और खूब उसमें अप्स एंड डाउन्स रहे, खूब तबाही मचाई है मैंने, और बट ये है कि जो भी करा ना दिल से करा, ऐसे वाला सीन नहीं था कि आधा अधूरा करा. इफ आई go in one direction, I go in one direction with full power and full throttle. तो target hit करना ही करना है. रही बात Splitsvilla की और Roadies की और ये सब, यार मैंने ना मैं musician के तौर पे आया था, मैंने musician भी नहीं बना था यार, मैं बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मैंने music सीखा भी नहीं, अपने आप ही सब कुछ किया है मैंने, उसमें कुछ भी नहीं सीखा मैंने उसमें, A to Z, none, never had a teacher, never had anybody. So मैं जो बताना चाह रहा था वो ये था कि यार मैं इसलिए आया था क्योंकि मैं करना चाहता था, और अगर आप करना चाहते हो ना कुछ तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी. तो बस उसके बाद जैसे जैसे रास्ते भगवान जी हनुमान जी खोलते चले गए, वैसे वैसे हम उन दरवाजों में घुसते चले गए, बाकी फिर हनुमान जी ने दे दिया बैकअप और हम हो गए रैपर मैडी. तो बस ऐसे ही था. हनुमान जी ह्यूमन कनेक्ट के साथ भी काफी ज्यादा, बल्कि हम सारा श्रेय संजय जी एंड आई एम गिविंग द एंटायर, बिकॉज हम हनुमान जी के दिन हमने बारे में सोचा ह्यूमन कनेक्ट के बारे में. एंड इनफैक्ट अगर आप ह्यूमन कनेक्ट का देखो भी, then you know there is gada leke Sanjay ji is standing, and that's something which we feel that you know is the entire positive aura which we talk about. And Hanuman ka आशीर्वाद लेके ही हमने ये शो शुरू किया. तो फिर तो आपको ये पता होना चाहिए कि हनुमान जी हैं कलयुग में. अगर आपके आसपास 1 किलोमीटर दूर कोई भी ना हो आपके पेरिफेरी में और आप हनुमान जी का नाम लें तो वो प्रकट हो सकते हैं आपके सामने. ट्राई करिएगा कभी. He is in this world right now. He is living with us. And I think संजय जी अगर ये सुन रहे होंगे अगर कहीं से, तो वो इस बात से यकीन करेंगे. वो आपको बिल्कुल प्रेजेंस महसूस कराते हैं जब वो कराते हैं. तो इस तरीके से क्या बात है, क्या बात है हमारी. सो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब मैंने YouTube पे टाइप करा, या मेरी टीम, मेरी एक इंटर्न है रिद्धि, उन्होंने मुझे बताया यू नो मैम रैपर मैडी का ये भी एक एंगल है जहाँ पे उन्होंने गाना गाया. एक आपका बहुत फेमस सॉन्ग है स्लो मोशन, इट हैज ओवर 1.6 मिलियन व्यूज. यस यस Yes. दर्शकों को बताना चाहूंगी that rapper Maddy, rap जैसे उनका नाम बोला जाता है, you know there are so many hidden talents which we talk about, and singing is one part of it which he has been highlighting over some time now. But that song has hit 1.6 million views. तो हमारे viewers चाहेंगे कि आप उन उस song की जो इतना super hit song है उसकी कुछ लाइनें गा के सुनाएं. ओके सो पहले तो मैं यार इसका शाउट आउट देना चाहूंगा जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे इस पे निशु पाजी ने लिरिक्स लिखे हैं इसके, एंड राघव ने म्यूजिक करा है, और कॉन्सेप्ट मैंने सोचा था कि कैसे करेंगे, फिर टिप्स ने इसको भी सपोर्ट किया था, पूरा गाना बनाया उन्होंने. सो बिग शाउट आउट टू ऑल द टीम. मैं दिल से बोलना चाहता हूँ बिकॉज दे वर ग्रेट हेल्प. और जब आपको गाने की स्टोरी पता चलेगी कि बैक एंड पे क्या हो रहा था तो वो अलग ही लेवल था. उसको अगर आप सुनोगे तो आप कहोगे यार ये तो बड़ा, मतलब ये शॉर्ट करना ही बड़ा मुश्किल काम था. बदन आप गाना सुनना चाहते हैं तो ये गाना आपके लिए. हो मेरी दुनिया रुक जेही जावे, मैनू कुछ भी समझ ना आवे, वे मैं जेड़े पासे जावां मैनू हर थां नजर तू आवे, बेबी तू मेरे मोशन विच आए, मेरे मोशन विच आए, नी तैनू वेखदा रवां स्लो मोशन विच आए, स्लो मोशन विच. मैडी तेरे बिना जी नहीं सकदा, तू गल ये समझ ले मेरी, कोई खो नहीं सकदा मैनू, बाह फड़ ले जे मैं तेरी, तू है मेरे कौशन विच आए, मेरे कौशन विच आए, नी तैनू वेखदा रवां स्लो मोशन विच आए, स्लो मोशन विच. Something like that. Commendable, outstanding. अच्छा मैडी की बात करते हैं, एंड जब हम दोनों मिले ही हैं क्यों ना कुछ मजेदार गेम भी हो जाए. So मैं जब सोच रही थी, and you know when things were put across, and of course we were been talking in the last few days, knowing you a dear friend too, हमने सोचा that you know we will keep you know putting across to you one word. Okay. To start with, जैसे मैं बोलूँगी ask. मैं आपको हर क्वेश्चन के बीच में I'll keep putting words to you, and आपको उससे सॉन्ग या रैप करना है. सॉन्ग या रैप मतलब आप मुझे एक वर्ड दोगे और उसमें मुझे कोई भी वो वर्ड किसी गाने में आना चाहिए, ऐसा करके. एब्सोल्युटली कोई भी सॉन्ग जो आपको याद है, जो भी आप, और या आप एकदम से रैप करना चाहते हो बिकॉज़ यू बीइंग अ इम्प्रॉम्प्टू रैपर टू, सो एनीथिंग यू आई वुड लाइक यू टू पुट अक्रॉस बिकॉज़ आवर व्यूअर्स शुड आल्सो नो दैट यू आर अ मिस फ्लेयर ऑफ क्रिएटिविटी टू. I'll try पर लेकिन पता है मैं एक चीज बोलूंगा, जैसे कि जब भी कोई वर्ड बोलता है ना मेरे दिमाग में सीधे गाना बजता है. सो लाइक फॉर एग्जांपल मेरे जो दोस्त लोग मेरे साथ कभी बैठे होते हैं ना तो कोई वर्ड कोई अटक जाता है, जैसे दोस्त मजाक करते करते तो मेरे पास तुरंत उसका गाना होता है. So my friends call me up and कि यार भाई मुझे इस नाम से कोई गाना चाहिए, I want to perform for my sister, brother, girlfriend, whatever. They call me up for that and I'm like तो अगर आप तो यू कैन काउंट मी टू बिकॉज मुझे तो बिल्कुल उस टाइम पे याद नहीं आता कि कौन सा गाना क्या है. मैं भी आपको अब से आई विल कॉल यू एंड से यार मुझे मैडी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार इससे क्या गाना बन सकता है. यार मैं ना बड़े मतलब मैं बड़ा प्राउड महसूस करता हूँ जब बहुत अच्छे डीजेस मुझे कहते हैं यार तेरा सॉन्ग लिस्ट बहुत अच्छा है, तू मुझे बता कोई नया गाना आया. तो इट फील सो प्राउड व्हेन top most DJs in India like you know, मतलब because I listen to extensive music, मुझे बहुत म्यूजिक सुनने का शौक है. तो इससे मेरा टेस्ट और फ्लेवर बदलता रहता है और मैं मैं यही बताना चाहता था आपको कि यार मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं रैपर बनूंगा, मैं वोकलिस्ट बनूंगा. व्हाटएवर केम माय वे आई ट्राइड टू यू नो लर्न इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. ओके, सो आई एम जस्ट एडिंग ऑन टू माय माय रेसिपी लेट्स से, और आई एम एडिंग ऑन टू माय गोल्स लेट्स से, और मे बी आई एम जस्ट गेटिंग प्रिपेयर्ड बेटर. एनीवे, मूविंग ऑन विद द गेम, लेट्स डू दिस. या, सो ओके, आसमा. Oh, यार. एक you know, you were thinking, आपको allowed नहीं होगा, जब मैं बोलूँगा आपको फटाफट बताना है. अच्छा, आसमा. I don't know आसमा के ऊपर कोई song. एकदम से मुझे भी याद नहीं आ रहा. Give me one more song. One more word you mean? Yeah, one more word. दिल. दिल पे तो 50 से 500 गाने. जब आप बोल रहे हो ना ऐसे हमें को याद भी आ रहा है. वैसे मेरे पास हर गाने होते हैं. दिल होते जो मेरे सीने में दो, दूसरा दिल भी मैं तुझे देता तूने, कुछ समथिंग लाइक दैट. या, दैट्स वन. ओके, वन ऑफ माय वेरी ब्यूटीफुल. Yeah, I know, man. It's a very beautiful song, by the way. There are a couple of songs which are. Ek Rehna Tu is also one of my favorite. Yeah. Rehna tu hai jaisa tu, dheema dheema jhonka ya fir junoon. Okay, so one more. Ek question ke baad mujhe ek baat batao, Maddy, since of course you know me being representing the fashion industry, and of course Sanjay ji representing his corner of the industry, Radio City representing the radio stream of the entire thing, and our viewers has their own streams of doing things. Correct. So for you, the last 1.5 years, which we talk about, you know, because of this pandemic, everybody has been impacted some way or the other. I'm not talking, of course, us. हम सबकी अपनी journey भी रही है, जिनको कोरोना हुआ है, the entire lockdown period has been very, very hard for all of us. We would like to know about your side of the last 1.5 years. मेरा लास्ट शो था जयपुर में 3 मार्च 2019. मैं अपना पुराना सॉन्ग तेरा मेरा सीन का प्रमोशन करके हटा था. मैं पूरा 1 महीना बॉम्बे में 29 कॉलेजेस में हमने परफॉर्म किया था टू प्रमोट दैट सॉन्ग. मैं वापस आया हूँ दिल्ली और उसके बाद सिर्फ मैं कभी इवेंट के लिए उड़ा ही नहीं, यू नो, लाइक उस टाइम से अब तक. सो पहली चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ यार, जिनके अपने चले गए और जिनके सपने चले गए, वो दोनों एक ही नाव में हैं, बाय द वे. और मेरी उनसे बिल्कुल तहे दिल से, जैसे मैं कहता हूँ ना कि यार मेरी उनसे, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मैं उनके दुख को ना तो कंपेयर कर सकता हूँ ना समझ सकता हूँ, बट मैं इतना जरूर समझ सकता हूँ कि यार ये बहुत पेनफुल रहा है कुछ लोगों के लिए. और चाहे हम कितने अच्छे वर्ड्स में उसे कन्वर्ट कर लें, वो दर्द हम नहीं समझ सकते और ना ही समझ पाएंगे. ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई. दूसरी चीज जो मेरे को बोलना है कि यार म्यूजिक और फैशन ना हमेशा एक साथ ही चले. ठीक है, म्यूजिक, इवेंट्स, फैशन वगैरह ये सब एक साथ चलते हैं. ये एक ही स्ट्रीम के कुछ जिसे कहते हैं ब्रांचेस, शाखाएं हैं उस तरीके से. तो इन तीनों पे तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है, क्योंकि जब शोज ही नहीं हो रहे तो कितने म्यूजिशियंस बेचारे नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, कितने सेशन आर्टिस्ट नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं. और मुझे कई लोगों ने बोला कि यार मैडी भाई, जब आप नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे जाओ तो ये जिक्र जरूर करना, इवेंट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट जरूर करना, क्योंकि नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. तो मैं ये सिर्फ ये बोलूंगा कि यार, मतलब मेरे दिल में ना एक बात है कि काश कोई गिल्ड सी होती ना, गिल्ड आप समझते हो, लाइक कोई टीम होती जो म्यूजिक वाले लोगों को या यू नो फैशन वाले लोगों को हेल्प कर पाती एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट देयर वाज नथिंग. ओके, देयर मस्ट बी सम पीपल, आई एम अप्रिशिएटिंग देम. ऐसा नहीं है कि मेरी जानकारी में जो नहीं है वो मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकता, बट उन्होंने बहुत सफर किया है. और केवल उन्होंने नहीं यार, बहुत लोगों ने सफर किया है. रही बात मेरी, सो भाई साहब फर्स्ट उसमें मेरे को कोरोना हुआ था. एंड वो बहुत टाइम मुझे स्ट्रेस ज्यादा हो रहा था यार. तो मेरा जो वो था जो मैं सुनता था वो बर्नीस चालीसा है, कृष्ण दास जी ने गा रखी है, वो आप सुनिए जरूर. वैसे तो वो फॉरेनर है लेकिन गाते हनुमान चालीसा है वो. तो जरा बर्नीस चालीसा सुनिए एक बारी, आपको बड़ा मजा आएगा उसे सुन के. एंड एट दैट टाइम अगेन लाइक आई सेड, हनुमान चालीसा वाज माय ओनली थिंग जो मेरे को पार लगाती थी, और मैं स्ट्रेस में जो था वो मैं नहीं आता था. और जैसा कि आपका सवाल था कि मेरा कैसा गया ये पीरियड या कैसा गया ये 1.5 साल, मैं ये मानता हूँ कि एवरीथिंग इज इन योर ब्रेन. अकेलापन किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए जेल की तरह है, और अकेलापन किसी समझदार व्यक्ति के लिए ब्लिस की तरह है, एक अच्छी चीज की तरह है. सो आई कीप ट्रेनिंग माई माइंड, मैं कुछ ना कुछ इन्वॉल्व करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ लर्न करता रहता हूँ. और ऐसा नहीं कि मैं कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर लिए मैंने, ऐसा नहीं, कुछ पढ़ लेना, कुछ यू नो मेरा माइंड मैंने कई प्लेटफॉर्म से बोला है मेरा ऑलरेडी माइंड बहुत क्यूरियस है. सो मुझे कुछ ना कुछ जानना है कि आज हबल टेलीस्कोप कहाँ पहुंचा, यू नो कौन से नए प्लैनेट्स के गोल्डी लॉक्स हमें पता लगे हैं, ठीक है. तो इन सब चीजों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ. और बाकी जो टीवी पे आता है, लेकिन मैं अपने आप को पॉजिटिव रखता हूँ. लाइक मैं अपने आसपास पॉजिटिव न्यूज बहुत ज्यादा रखता हूँ, यू नो आई ट्राई टू रीड पॉजिटिव मोर, क्योंकि यार बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है. बहुत सारा नेगेटिव तो मिल ही रहा है ना हमें, यू नो हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से जो एंटरटेनमेंट और मीडिया में बहुत सारा नेगेटिव मिलता है, तो पॉजिटिव भी करना जरूरी है. दैट्स अबाउट इट. तो मेरा ऐसा गया, म्यूजिक मेरा साथ देता था भाई, और म्यूजिक के थ्रू ही मैं यहाँ तक तड़ी पार हुआ हूँ, और यही था जो भी था जी. बहुत लोग खुदा हम बात करते हैं, भगवान की हम बात करते हैं, बहुत लोग पीपल गेट क्लोजर टू यू नो टू नेचर, टू गॉड एंड टू मेडिटेशन. They actually found the real meaning of it, and I cannot state this further because you know everybody us, and like you said, everybody has suffered, everybody has their own up and down, and we cannot take that away from people. But correct. We are trying to cope, come out of it, because the lockdown has opened in some parts, and there are few restrictions somehow. But चलती का नाम जिंदगी हमें करना है, and we will be able to do it. And on that note, मैं चाहूँगी आप your next word. खुदा पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो तुम समंदर के धनी, बाबा हाजी अली, बाबा हाजी अली, ये तुम्हारा दर्स है मुस्कुरा कर दो, बाबा हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, बाबा हाजी अली, पिया हो. तो खुदा से तो मुझे पिया हाजी अली याद आता है, तो वैसे करके वो सॉन्ग इतना अच्छा है यार, मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो. नहीं वो बहुत अच्छा, मेरे को भी बहुत पसंद है. तो मैं टॉक अबाउट रैपर मैडी का, एक ऐसा कौन सा आइडल है आपका जिनको आप लुक फॉरवर्ड करते हैं? इट कैन बी योर फैमिली मेंबर, इट कैन बी समबडी यू नो एज एन आइकन फॉर द वर्ल्ड, इट कैन बी समबडी फ्रॉम द बॉलीवुड, एनीबडी यू फील एज योर समबडी जिसको आप लुक अप टू करते हैं, जिनको यार मैं ना एक व्यक्ति को इसका श्रेय नहीं दे सकता. मेरी जिंदगी में मेरी कोट है जो मैं फॉलो करता हूँ, नो मैन इज योर एनिमी, नो मैन इज योर फ्रेंड, एवरी मैन इज अ टीचर, ठीक है. सो मैं सबसे कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ कि सीखा जाए. किसी व्यक्ति में कोई बहुत खास बात है, या किसी व्यक्ति में कोई और तरीका से को किसी चीज को करता है, या डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखता है, तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, रादर देन कि मैं उसको सिर्फ उंगली उठा देने की भाई तेरे को ये तू गलत सोच रहा है. आई अंडरस्टैंड. पहले होता था कि मैं बिल्कुल रिबटल देता था कि यार ठीक है जो भी है, अब ऐसा नहीं है. मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, किसी वजह से ये सोच रहा है ऐसा, इसकी उस वजह तक पहुंचते हैं पहले, फिर इसको सॉर्ट करते हैं, यू नो. तो उस तरीके की अब मेंटालिटी बन गई. तो रहा बात एक श्रेय का, यार देखो सबसे पहला श्रेय तो भगवान को जाता है, और दूसरा माता पिता को जाता है, ठीक है. उसके बाद गुरुजी आ जाते हैं, जो भी आपके गुरु रहे हैं, जिन्होंने भी आपको सही दिशा दिखाई है. सो दैट्स अबाउट इट. लाइक फॉर मी, कणकण में बसे राम, कणकण में बसे श्याम. तो सबको हमारा नमस्ते है, और जो प्यार से मिले उसको वेलकम है, जो प्यार से ना मिले उसको भी वेलकम है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. So that's the thing कि यार मैं सबसे ही सीखने की कोशिश करता हूँ, even if it's small or elder, it's just the same. Yeah. So जहाँ पे मैंने इतने words दिए, और जिसकी हम शुरुआत करें, जिसकी हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी तक मैडी ने आसमा पे गाना नहीं गाया. So I would request the viewers, अगर वो hint करना चाहते हैं मैडी को, आसमा यार मेरे को याद है गाने, but मेरे को अभी याद नहीं आ रहा वैसे वाला सीन है. Help you know. So I'll request our viewers, जो लोग हमें सुन रहे हैं सारे प्लेटफॉर्म से, Facebook, YouTube, आप प्लीज मैडी की सपोर्ट करें अपना, उनको कोई सॉन्ग बता के, and he will be able to sing that for you. So moving on, मैडी, हम रैपर मैडी की बात करते हैं, और बिना रैप के हमें मैडी नहीं समझ आता, मतलब okay. हम तो मैडी you know as a rapper मैडी. So I would request कुछ रैप करके बताएं, something which you feel here, you know, it's something. So my next song is called तेरा भाई. It has been stuck from a long time because rap वाला सीन अभी थोड़ा सा divert हो गया था मैं उससे. जैसा कि मैंने बताया कि यार मैं हर music करना चाहता हूँ, केवल एक music नहीं करना चाहता. ये मेरी मंशा है, मेरी इच्छा है. और उसी का एक part मैं आपको सुनाता हूँ. Something like सबको सुनाते थे, सबको समझाते थे, बनेंगे बड़े, सबको बताते थे अटका हुआ हूँ कि संभला हूँ मैं, यार है सच्चे धोखा खाया हूँ मैं, भोले का भक्तों पर तेरी मौत का साया हूँ मैं, शब्दावली को मेरी टेस्ट ना कर वोकैबुलरी अपनी सेट तो कर, ये बीट भी मेरी, ये बार भी मेरा, अपनी सोच की बता दी शुरुआत तो बेटा, सारा ब्रह्मांड भी मेरा, अकड़ न चलेगी तेरी, न चली थी रावण की भी मर्यादा को, दर्शाया था राम ने भी, जीतूंगा ये है पाप का गेम, सोच से भी, काम से भी, नाम से भी, जबान से भी, चलेगा चलेगा तेरा भाई, अरे नहीं रुकेगा रे तेरा भाई, अरे आगे बढ़ेगा रे तेरा भाई, अरे नहीं रुकेगा रे तेरा भाई, तेरा भाई, अरे तेरा भाई, समथिंग लाइक दैट. तो ये बिल्कुल रिकॉर्डेड एंड सेट एंड डन है, बट इसको बस रिलीज करना है, वो वाला सीन है. क्या बात है. अब तो रिलीज करने में शायद आसानी हो गई, काफी लोग देख रहे हैं आपको, और क्या पता, you know, you rap so well. कैसे याद करते हो यार? मेरे से गाना याद होना थोड़ा मुश्किल है. आप कैसे याद? Oh, that too, you don't have to think. You just, you know, rapping is like it comes naturally. मुझे लगता है आपका आंसर मैंने आधा तो कर ही दिया है. I think पहले तो लोग बहुत सारे हिंदुस्तान में ये नहीं जानते कि रैपर्स का हिंदी वर्ड क्या होता है. उनकी जानकारी हेतु मैं बताना चाहता हूँ सभी मित्रगणों को कि उसे तालु कवि कहा जाता है. ठीक है. अच्छा. तो जो कवि ताल में आपको सुनाए किसी गद्य को, तो उसको कहा जाएगा तालु कवि. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स द थिंग. सो इफ यू वांट टू कॉल मी रैपर मैडी, तो मैं हिंदी में तालु कवि मैडी हो जाएगा वो. राइट नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट कि यार ऐसा नहीं है, मैं किसी से ये सहमत नहीं हूँ कि यार ये नेचुरली आता है. जिनमें आता है नेचुरली उन्हें पता होता है, और ये अच्छी बात है, उन्हें पता होना चाहिए. और जिनको नहीं आता है वो 10,000 बार उसे करने की कोशिश करें, और साइंटिफिकली प्रूवन है ये बात कि 10,000 बार कोई भी प्रैक्टिस आप कर लें तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं. सो कोशिश करते रहिए, आपको कोशिश बेहतर बनाती जाएगी, किसी का दिल तोड़ने वाली बात नहीं. लेकिन जब आप उस किसी विशेष विषय में किसी को बहुत बढ़िया देखते हैं तो आपको पता लग जाता है ये बना ही इस चीज के लिए था, बाकी सारी बातें एक तरफ. तो उनको हमें तवज्जो देनी चाहिए, ये बात सच है. अगर किसी में बहुत अच्छी क्षमता है और वो कर सकता है बहुत बढ़िया, और तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए. दैट्स अबाउट इट. सो मैं ये नहीं मानता कि सब नहीं कर सकते, कर तो सब सकते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से कुछ लोग कर सकते हैं. बिल्कुल सही. आपका नेक्स्ट वर्ड पानी. पानी दा रंग देख के, पानी दा रंग देख के मेरी अखियां चो हंजूर उड़ गए. मेरे को एकदम से वर्ड देते मुझे गिटार बनाना पड़ता है, तब तक गाना निकल जाता है. सो कोठे उत्ते बके अखियों मिलो में ना जाना कर देते हमें छोड़, तेरे उत्ते मरदा प्यार तेनू करदा, मिलेगा तो कोई और. तू भी आ सब कुछ छोड़ के, तू भी आ सब कुछ छोड़ के मेरी अखियां च हंजूर गए. पानी दा रंग देख के, पानी रंग देख के मेरी अखियां च हंजूर गए, ओ मेरी अखियां च हंजूर गए. समझ में आ रहा है? एक गाना है वैसे, मैं आप गा रहे हैं तो एक गाना है जो कि हम जिसके बारे में कल बात भी कर रहे थे, और जो आपने बहुत ही ब्यूटीफुली गाया है. ऐसे बनते हैं बैठे कोई बात नहीं. This you have sung it beautifully. Excuse me for my. यार ये वाला तो मैंने नहीं गाया था, ये तो मुझे नहीं आया था. कौन सा गाना है वाला? आप बात कर रहे हो? I have seen that. I have really seen that for one of your shows. Maybe because आप singers का क्या होता है, वो इतनी जगह पे गाते रहते हैं, maybe something like. ऐसे भोले बन के बैठे जैसे कोई बात नहीं, I'm just forgetting the lyrics for this song. Because मैं बोला ना तुम एकदम आप मेरे को prompt करते थे तो मेरे दिमाग से चीज चली जाती है. वैसे तो मेरे 3 घंटे कमाते रहो, कोई टेंशन नहीं है. And then there's another song जो मैंने कल कहा था और सोने और चांदी की मैं बातें कर रहा था उस समय. तो सोने चांदी की आजकल लोग बातें बहुत ज्यादा करते हैं, थोड़ा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया, लेकिन सोने चांदी से बहुत सारी चीजें भी रिलेटेड है. सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बार. सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बार. एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल. So, सोने चांदी से मुझे याद आता है, संजय जी को हेलो बोल देना चाहिए हमें इस बात पे. संजय जी अगर आप देख रहे हैं तो सोने चांदी की बात है. मैं तो ये चाहूंगी एक ना, मैं आपको मैडी, आई डोंट नो आप whether you have seen that or not, एक आपको मैं नए तरीके का काम दिखाती हूं, वर्क का. आई वुड रिक्वेस्ट द प्रोडक्शन टीम प्लीज इट्स पैशन फॉर Wow, that was such a nice promo, video, advertisement. Wow, that was so cool, man. So I'll tell you in detail about it. You know, so when you see, when आपने सोने चांदी पे गाना गाया, आपको मिठाइयाँ जरूर पसंद होगी, and you must have seen those work देखा होगा आपने, चमचम जो होता है. Correct, 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 correct. हम sweets पे करते थे आज तक. You know, in I don't know whether production team has the images when I worked as a showstopper for them in February, March for India Designer Show. We used, of course, the concept, and everybody knows about the man, but the concept was used as accessories. Of course, see this, the जो work है जो हम मिठाइयों पे करते, that was used as accessories, that was used as an element on the ramp, and everybody covered it. हम सारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं, हम रेडियो चैनल्स की बात करते हैं, एवरीबडी कवर्ड इट बिकॉज ये चीज कभी नहीं हुई है. इट वाज अ स्टार्ट ऑफ एन एरा व्हिच हैज हैपेंड एंड नाउ पीपल आर कॉपिंग इट. सिर्फ ये ही टू मस्ट, आपने वो वीडियो भी देखी जिसमें बहुत ही डिटेलिंग हाउ मॉडल्स हैव यूज्ड इन अ डिफरेंट वे जस्ट टू शोकेस द स्टोरी फॉर कैलाश सिल्वर लीव्स हु इज आल्सो द लीडिंग वन फॉर द ह्यूमन. हम इसके बारे में और बात करेंगे लेकिन थोड़ा बाद में. सो बट बिफोर दैट मैं चाहूंगी कि आप नेक्स्ट सॉन्ग गाएं बिफोर वी एंटर. ओके, वैसे मैंने बहुत सारे वर्ड्स को फोटोक्रॉस कर दिए. कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो एंड ऑन यू नो डेली बेसिस और समथिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट. I think that would be B Praak's this song called Man Bharya. It's one of my favorite, and I have a mashup. We'll do that mashup later on. But and Jani has written the song so well. Jani Paji, je tusi sun rahe ho. Hi, I'm Vallo, and B Praak Paji, hello again. So this is something. वे मैं तो तेरा मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्लां तेरियां तो लगदा यारा गल गल ते शक कर दे एतबार जरा भी हुण तेरी अखियां चो मेरे लई प्यार जरा भी मेरा ते कोई नहीं है तेरे बिन तेनू मिल जाना किसे दा सहारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्लां तेरियां तो लगदा यारा अगले जन्म विच अल्ला ऐसा खेल रचा के भेजे तेनू मैं बना के भेजे मैनू तू बना के भेजे वे फिर तेनू पता लगना कि मैं पीना जाना पानी खारा खारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्लां तेरियां तो लगदा यारा something like that. Wow. So what's next? Well, you have talked about what you have done in the past or what you're doing currently. But what's next? What are you looking up to when you talk about your future aspirations or some of the projects? Future aspirations right now तो यार ambassadorship के ऊपर है कि 2-3 बढ़िया brands मिल जाए उसके हम ambassador हो जाए हम कहें okay this is how it is and 2-3 तो process already done process में ही है बिल्कुल all the final stage है and then obviously movies waiting for my dream role which is gonna be somewhere out there and मैंने कई लोगों को देखा है जो बहुत सारे roles करते हैं फिर उनको एक role मिलता है जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं पहचाने जाते हैं जिसकी वजह से तो वही ड्रीम रोल का वेट है अभी तो और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं बाकी गाने बहुत सारे आ रहे हैं और बेमतलब के आ रहे हैं बिना रुके आएंगे कोई रोक नहीं पाएगा ये सच है गाने से लोडेड बैठे हुए बिल्कुल हम मतलब 7-8 गाने अभी तैयार हैं फिर उसके बाद 7-8 और हैं तो इस तरीके से गाने नहीं रुकेंगे ये मतलब लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं शूटिंग पे था ना मुझे यार रियलाइज हुआ कि मेरे को लोग गाने की वजह से जानते हैं मुझे लोग म्यूजिक की वजह से जानते हैं मुझे टीवी पे आने के बाद में जाने बट मुझे जो रास्ता मिला वो सिर्फ म्यूजिक की वजह से मिला तो मैं अपनी जड़ नहीं छोड़ सकता तो टीवी पे जो आएंगे सो आएंगे वो तो अच्छी बात है लेकिन गाने नहीं रुकेंगे गाने आते रहेंगे बैक टू बैक इनका ये आप जब तक आप मुझे जानते हो और जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है गाने बैक टू बैक मिलेंगे सब लोगों को ओरिजिनल एज इट कैन बी या बिल्कुल आई थिंक उसी चीज से लोग एंटरटेन रहेंगे और एंटरटेन होना भी एक कला है हर कोई नहीं कर सकता बहुत लोग कोशिश करते हैं एंटरटेन करने की बट इट गोज इनटू लॉट ऑफ हार्ड वर्क स्वेट टू एक्चुअली मेक to actually make people understand. यार ये ना रिचा मैं ना ये I always say this music is not a kingdom to be won. It's an art to win the hearts. अगर आपका म्यूजिक चाहे अच्छा गाते हो बुरा गाते हो वो अलग बात है पर अगर आपकी आवाज किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकती है तो उसके बारे में दोबारा नहीं सोचना चाहिए गा दो उस इंसान के लिए यार समझ रहे हो मेरी बात तो सबसे किसी को खुश करना is the only thing which a human is here for ठीक है और प्लैनेट अर्थ को बचाने के लिए humans were made right पर अभी हम कुछ उल्टा चीज कर रहे हैं और मैंने जैसा कि बताया म्यूजिक एक ऐसा ह्यूमन कनेक्ट है आप दो गिटारिस्ट जब मिलते हैं ना आपस में पता है कैसे करते हो बिना बात करे ये कॉर्ड ऐसे करके उनकी दोस्ती हो जाती है अरे यार तुझे ये आता है दोस्त बन जाते हैं यू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ म्यूजिशियंस आर यार उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन कहां से आ रहा है बट म्यूजिशियन रिस्पेक्ट्स म्यूजिशियन इस तरीके से सो आई थिंक म्यूजिक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हिच कनेक्ट्स पीपल एंड व्हिच कनेक्ट्स ह्यूमंस ऑन दैट लेवल सो आई थिंक ह्यूमन कनेक्ट्स शुड डेफिनेटली लुक टुवर्ड्स म्यूजिक एज वेल एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट and I hope it grows more and more and more it will because it has been grown over the last few hum jab kuch din ki baat karte hain it's just been 1.5 months and we have been coping on the ground level as well as for the people through these chat shows which are reaching millions of people hamare chat shows 4 se 5 lakh views hote hain when we talk about that and there is one message which says I'm from Bangladesh I'm big fan of your songs কেমন আছে আশরাফ আলী জৈন? কেমন আছি? कहां पर है? Oh, that's a comment. I thought he's listening to me. Okay. Ashraf Ali Jain, hi. That's lovely. See. So he has replied to you, and that's what people. ऐसा नहीं है कि जो हम लोग जो जैसे हमारी आप करते हो celebrity tag है. That's an understatement. No, people talk about the celebrity tag, and you know, I feel that if you're not giving it back to the society, then what's the point? I mean. See, we all are being known because of the people. We are being known because of the human touch. जो ये human connect में कहता है, जैसे मैंने starting में भी बोला, हम सबका एक connection है. हमें लोग पसंद, मतलब it's directly related. मैं अगर कुछ करती हूँ fashion industry में और लोग पसंद करते हैं, viewership आती है 1000, 2000, 10,000, 20,000. That's something which we talk about. And अगर वो नहीं आएगी तो automatically मुझे मेरा काम नहीं अगर लोगों तक पहुँचेगा तो automatically what's the point? It's all correlated. So celebrity tag is understatement, and I keep telling people, please don't use it because you know it feels that if a celebrity is not giving back to the society, तो ऐसे tag का फायदा क्या? हम लोग जो बने मेरी fashion industry में you know being endorsing so many products on the other side of this also you being into so many things too. You know these celebrity tags. अगर हमारे पास लोग ही नहीं होंगे जो हमें सुनेंगे, जो हमारी तारीफ करेंगे, जो हमें शायद compliment comments जैसे भी करेंगे ताकि हम अपने आप को सुधार सके. If that won't be there, then you know what's the entire point? ऋषभ, मैंने ना आपको शुरुआत में एक बात बोली थी. कुछ लोग बने होते हैं उस चीज के लिए और वो अलग से दिख जाते हैं कि वो बने ही इस चीज के लिए, और कुछ लोग मेहनत करके पहुंचते हैं. तो दोनों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों के लिए बिग शाउट आउट है. ठीक है. और दूसरी चीज आपके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि यार सेलिब्रिटी ना लोग बोलते तो अच्छा लगता है, खुद बोलते अच्छा नहीं लगता. ठीक है. और जो लोग खुद को सेलिब्रिटी बोल रहे हैं ना, उनका होना ना होना एक बराबर है क्योंकि उन्हें बोलना पड़ रहा है. ठीक है. और मैं स्कूल में भी फुटबॉल खेलता था तो मेरे जो कोच थे उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी बात बोली, गोल मारेगा तो बात कर, अदरवाइज खेलना तो बहुत लोगों को आता है. ठीक है ना. सो बात यही है कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ी यूथ ऑडियंस है और आप उसको सही दिशा में लेके नहीं जा रहे. अच्छा, बाय द वे, मेरे से किसी ने पूछा था एक इंटरव्यू पे कि आपको क्या लगता है कि आपका क्या मकसद है इस धरती पे आने का. मैंने कहा वाह, पहली बार कोई बंदा ऐसा मिला जिसने इतना डीप सवाल पूछा मेरे से. मैंने उसे बोला कि यार मुझे लगता है मेरा मकसद ये है कि कोई भी एक व्यक्ति अगर मेरे को सुन के एक सही दिशा पकड़ पाए, यंग बच्चा, बड़ा उम्र में कोई भी, किसी को भी वो चीज की जरूरत हो. तो मैंने उसे कहा कि भाई मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरी बात को सुन के किसी सही दिशा में मूव कर पाए तो मेरा मकसद सिद्ध है. और मुझे लगता है कि मुझे वे टू सॉल्वेशन मिल गया, मुझे मोक्ष की तरफ रास्ता मिल गया. तो मुझे लगता है कि पहला धर्म तो यही है, ह्यूमैनिटी का. और दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ ये कि यार अक्सर लोग ना कहते हैं कि मदद करनी चाहिए, सब करना चाहिए सेलिब्रिटीज को वगैरह वगैरह. देखो, जिसकी जितनी हैसियत हो, जिसकी जितनी हिम्मत हो, उतना करें. किसी को आंकना इस बात के लिए कि वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, या ये करना, ये भी गलत है यार. इतना अब कई लोग मेरे जैसे होते हैं जो बताते भी नहीं. अब मैंने तो एक बड़ी कमाल की चीज ये देखी थी कि मैं पहले दिन से स्ट्रीमलाइन कर रहा हूँ वो सारे कोविड ग्रुप्स. अभी भी मेरे कम से कम फोन पे 200 के करीब ग्रुप हैं और मैं स्ट्रीमलाइन कर रहा हूँ कि अपनी जगह पे लोकेशन पे ढूंढो कि आपके ऑक्सीजन पंप कौन से. डोंट सेंड पीपल फ्रॉम फरीदाबाद टू पुटकला, यू नो, आई एम टेलिंग दैट पीपल. मैंने प्रॉपर ट्विटर पे अगर आप मेरे जाके देखोगे तो मैंने वहां पे पूरे वॉलंटियर्स को बताया कि कैसे आप उसको करना है. ये होते के दौरान लोग अपने आप को प्राइजेस दे रहे थे कोविड वॉरियर्स के. मैंने कहा अच्छा, नाइस. तो मैंने बताया नहीं इसका मतलब, अगर आपको पता नहीं इसका मतलब तो मैं कर नहीं रहा था क्या. तो मेरा पॉइंट केवल ये है कि यार किसी को आंकना भी ठीक नहीं है इस दौरान. ऐसे टफ टाइम्स में ना किसी को आंकना ठीक नहीं है. आपको नहीं पता दूसरा बंदा क्या कर रहा है. पर मेरे से जो बना मैंने वो करा. विद दैट बीइंग सेड, आपका जो पहला सवाल था कि सेलिब्रिटी बोलना या ना बोलना या सेल्फ में व्हाटएवर, मुझे लगता है लोग आपको बोले तो बेहतर रहेगा. अपने आप को अगर आपको बोलना पड़ जाए तो फिर बेकार है. फिर वो बेकार अपने मन की बात होगी जो तुम दुनिया को जताने की कोशिश कर रहे हो एक टैग के साथ. यार मैंने तो बड़ा सिंपल सा, मैंने बॉम्बे में सिंपल सी लाइन बोली थी. किसी ने मुझे एक बहुत अच्छा सा डायलॉग बोला था कि यार आप कैसे आओगे, शुड आई सेंड अ कार टू यू. मैंने कहा रैपर मैडी रहेगा चाहे ऑटो में आए, चाहे मैं साइकिल पे आऊँ. समझ रहे मेरे भाई, मैंने ब्रांड इतना बड़ा कर दिया कि वेयरएवर यू मेक मी स्टैंड आई विल बी अ ब्रांड. सीधी बात. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मुझे आपसे मतलब ही नहीं है ब्रो. मैं तो अपने पे काम कर रहा हूँ. आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ. आप अपना देखिए जो आपको करना है। सो एक कॉलेज था बॉम्बे का जो आई डोंट वांट टू टेक द नेम। सो इस कॉलेज में उन्होंने बोला कि यार हम सर आपको अप्रोच कर रहे हैं पर हमारे पास इतना पैसा नहीं है और हम इतने बड़े कॉलेज नहीं है। मैंने कहा अच्छा क्या करना है ये बताओ। तो मेरा जो मैनेजर है हरीश नाम है उनका, तो हरीश बोलते हैं भाव क्या करने का बताओ ना भाई क्या करने का है। और बोला क्या करना है, बोला यार ये लोग के कॉलेज में कभी कोई नहीं गया तो ऐसा क्या मतलब करने का क्या। मैं बोला किधर है, बोला एकदम एंड पे जाके दूसरा साइड, बोला करेंगे। We went to the college. The crazy fan, I'm getting goosebumps right now if you could watch it guys. The crazy people went over there, I can't even tell you. That's how you become famous. That you do things which make people happy. If 100 people are happy because of you being there, what else do you need in life? Absolutely. क्या फर्क पड़ जाएगा यार, मैं 100 जगह घूमने जाता हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा मैंने वहां बिता लिया, क्या दिक्कत है। लोग ये कहते हैं मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, I'm too classy for this, I'm too cool for school. Bro, listen, if you're too cool for school, you shouldn't be here, right? You're not a celebrity, you're just a rebel trying to copy somebody. Be your own identity, be your own self. That's about it. Don't copy people around you. Yeah. काफी उच्च विचार हैं आपके मैडी साहब, आपके तरफ, you know, because you are absolutely right. I mean, I keep talking about this, and आपने बिल्कुल उसको पकड़ा है, and on that's something जो हम human connect के through, हमारा human connect क्या है? Maddy, before you coming, this is the 8th episode, and of course we had another youngster who represents the youth and who pick up so many things. But हर किसी का human touch अलग होता है. हम हर कोई अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं, कुछ लोग दिखाना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाना चाहते। करेक्ट। मैंने वही बोला ना रिचा, देखो मैंने इसी बात पे बोला, मैंने कहा किसी को आंकना ठीक नहीं है इस चीज के ऊपर। मेरी यू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम सेइंग, मतलब कि ठीक है किसी के बस का कम पड़ा, किसी ने कम किया। मेरे को अभी भी पता है कि मेरे घर के पास एक छोटा बच्चा है, वो टिफिन बना के भेज रहा था कोविड के लिए यार। अब वो बाहर तो जा नहीं सकता पर वो कर रहा था ये काम। अब मैं क्या उसको जाके अवार्ड दे दूं उसको? आई अप्रिशिएटेड हिम एज आई कैन। मैं लोगों की हेल्प कर रहा था कि यार यू नो यहाँ पर ये चीज अवेलेबल है, पूटकला में इतने पंप्स हैं, यहाँ पे ये पंप्स हैं। आई वाज हेल्पिंग पीपल, माय डीजे फ्रेंड्स, ऑल दीस पीपल वर आस्किंग मी कैन यू हेल्प मी आउट, और जो मैं कर सकता था मैं कर रहा था यार। सो मैं वही कह रहा था कि देखो आंकना ठीक नहीं है यार, आपको नहीं पता कौन क्या कर रहा है, where is somebody coming up from, ठीक है ना। और बस that's about it। और बाकी जैसा आपने सेलिब्रिटी वाला बात की, जस्ट पुटिंग एन एंड टू द होल कॉन्वर्सेशन यार। अगर आपको मानना है आप सेलिब्रिटी तो मान लो यार, क्या दिक्कत। हम तो तभी मानेंगे जब लोग हमें कहेंगे, और लोग नहीं कहेंगे तो कोई सेलिब्रिटी नहीं। बिल्कुल सही बात बोली, and I think there was some connection error, and while he was talking about it, in fact my family also were going through this tough times, and मेरी फैमिली में भी कोरोना हुआ, and जैसे बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। Those 14 days, I'm sure that we all, our whole family has suffered somewhere or the other. There was association. जहाँ मैं रहती हूँ साउथ दिल्ली में, एंड देयर इज एन एसोसिएशन हु वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, नारियल पानी, एंड आई वाज जस्ट टेलिंग एवरीबॉडी मैडी दैट यू नो माय फैमिली आल्सो गॉन थ्रू दोस टफ डेज और टफ 14 डेज, एंड देयर इज एन एसोसिएशन जो फ्री में खाना बांट रही है। करेक्ट। और बच्चे लाइक यू सेड, इट्स नॉट द सेलिब्रिटी स्टेटस, इट्स नॉट अबाउट व्हिच कास्ट, क्रीड और व्हिच पार्ट ऑफ द कंट्री यू आर फ्रॉम। वो बच्चे खाना देने आते थे in one of a very, मतलब they all about वो याद है हेमकुंड गुरुद्वारा, हरतीर्थ, राइट। आई नो सो मेनी पीपल यार, जिन मतलब मेरे को नाम उनके याद हो गए यार, मैं तो जानता भी नहीं लोगों को। मेरी बात आप समझ रहे हो, मैंने उनके साथ काम करा है, मैं घर बैठ के रोज उस बंदे से बात कर रहा हूँ, भाई इसकी हेल्प हो सकती है, इसकी हेल्प हो सकती है, यहाँ भेज दो वहां भेज दो। मेरे दोस्त नहीं है लोग, आई डोंट नो दीज पीपल, मेरे को नाम याद है हियावी, हरतीर्थ, हेमकुंड गुरुद्वारा, नोएडा वाला, इंद्रपुरम वाला गुरुद्वारा। मेरे को ये जगह क्यों पता है यार, मैंने दिन में 600 बार इन लोगों से बात करी है, ठीक है, एज वॉलंटियर। और मेरे को बच्चे लिख के भेज रहे थे, सर आप असली वाले रैपर मैडी हो। मैं कहा हाँ यार मैं असली वाला हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू हेल्प पीपल, यू नो। सो मेरा ये बताने का रीजन रिचा ये नहीं था कि मैं कर रहा था, मेरा केवल रीजन ये था कि यार जो भी है जितना कर सकता है उतना करो, ये काफी है, इतना काफी है बस। मैं भी कोशिश कर रही हूं रानी दैट यू नो द एसोसिएशन मेंबर्स हेल्प्ड, बच्चे घर तक खाना पहुंचा रहे थे। they had their, ऐसा नहीं है, they were from very good families. I remember one, they carrying the most luxury car which we could, you know, I mean we have or we could imagine. सो इट्स जस्ट दैट जो अंदर की भावना होती है, दैट्स व्हाट ह्यूमन कनेक्ट वाज ट्राइंग टू सी. अच्छा, मैं एक चीज जिस पे जा रही थी, उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था नीचे. Also to all the viewers, we will be getting it back to you, to all of you, in terms of the questions, comments, and we really appreciate all of you to commenting, complimenting us. So Maddy, किसी ने पूछा, I missed the name, that what's your real name? उसने लिखा कि उन्होंने लिखा कि Maddy तो celebrity name हो गया, लेकिन आपका रियल नेम मैडी तो नहीं होगा. यह सेलिब्रिटी नेम नहीं है. मैं इसकी पूरी कहानी बताता हूँ. मेरा असल नाम है अंशित शर्मा. It's mentioned on my LinkedIn. अगर आप लोग LinkedIn देखते तो अब तक पता चल जाता आपको, ठीक है. सभी लोगों को मेरे जान जिगर के छल्लो मैड आर्मी. अच्छा, और दूसरा, मेरे घर पे मेरे दादू मुझे माधव बुलाते हैं, जो कृष्ण जी का नाम है. और जब मैं देहरादून में पढ़ाई कर रहा था तो मेरे दोस्तों को ने वो मूवी देखी, रहना है तेरे दिल में, और उसमें आर माधवन सर थे. सो सर का नाम मैडी था उसमें, और फिर वो माधव, माधव शर्मा, माधव शास्त्री, तो मैडी हो गया. और इनफैक्ट ये बात मैंने आर माधवन सर को इंस्टाग्राम पे लिख के भेजी, उन्हें बताया नहीं. लाइक, हे ब्रो व्हाट्स अप, एंड आई एम लाइक, ओए जीवन धन्य हो गया मेरा. जिस बंदे को मैंने बताना था मैंने बता दिया. ही रिप्लाइड बैक, ही इज सच अ क्यूट गाय, सच अ नाइस गाय, आई स्वेयर टू गॉड, सच अ ग्रेट हार्टेड गाय. बिग शाउट आउट टू आर माधवन सर, अगर आप कभी सुने तो नमस्ते. बिल्कुल, आर माधवन के साथ एक वेब सीरीज आ रही है, मैंने उस पे काम करा है. ही इज सच अ जेंटलमैन. He is very down to earth. बहुत मस्ती हो रहे हैं जैसे आप हो. मुझे लगता है माधव नाम के साथ ना नटखटपन आ ही जाता है अपने आप. ये नाम ही ऐसा थोड़ा खिला के रखता है आपको. बिल्कुल सही बात है. So Maddy, we talked about human connect, and since this would be the last segment of our chat show, जो कि लगी नहीं रात की chat show, ऐसा लग रहा है दो दोस्त बात कर रहे हैं. And because we are being coping up, and I feel that जितना रियल रख सके उतना ही लोगों तक पहुंचता है, उतना ही लोगों को कनेक्ट होता है. True. तो हम ह्यूमन कनेक्ट की बात करते हैं. हम लोगों ने थ्रू ह्यूमन कनेक्ट पर्सनली, ऑफ कोर्स वी डोंट शेयर इट दैट व्हाट वी आर डूइंग फॉर द सोसाइटी, बट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म ऑफ ह्यूमन कनेक्ट वी हैव कोप्ड अप इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग ऑन द ग्राउंड लेवल. वी हैव बीन कोपिंग अप इन टर्म्स ऑफ, जब सिलेंडर्स का इशू था, जब लोगों तक बहुत कुछ पहुंचाना था, एंड हमने ये पॉजिटिविटी एक बिल्कुल एक छाप छोड़ी और एक पाथवेज बनाया थ्रू दीस चार शोज व्हिच हैव बीन रियली रियली अप्रिशिएटेड बाय एवरीबॉडी. एक तरह से जैसे होता है, जैसे मुझे काफी लोग बताते जब दूरदर्शन होता था एट 9 o'clock देयर वाज समथिंग व्हिच यूज्ड टू कम एज सीरीज ऑन डेली बेसिस. सिमिलरली ह्यूमन कनेक्ट की लोग हर सैटरडे वेट करते हैं 1 बजे की, इस बार कौन आने वाला है, कैसे कौन क्या नई चीज आने वाली है, कैसे उन लोगों ने कोप अप किया. एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. वी आर कमिंग अप विद पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट स्पेक्ट्रम स्फेयर्स ऑफ लाइफ एंड हु हैव बीन कोपिंग अप विद इट, वेदर यूथ हो या वेदर कोई ऐसा हो जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है. बट वी डिड अ प्रॉमिस टू आवर व्यूअर्स दैट हम आप लोगों तक उन सब की तरफ से पॉजिटिविटी ही लाएंगे. ऑन दैट नोट मैडी, एक वीडियो है बिकॉज संजय जी बीइंग द इंटीग्रल एंड द फाउंडेशन मेंबर ऑफ हिज बर्थडे वाज फ्यू डेज बैक एंड आई वुड लाइक टू प्ले एंड देन टॉक अबाउट. ओवर टू द प्रोडक्शन. Happy birthday to you. So, आज हम सराय कालेखा के ब्यासपुर झुग्गी में, जहाँ पर एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें पुलिस मित्रा फाउंडेशन, बदलती सोल चैरिटी फाउंडेशन, युवा मन फाउंडेशन एंड चैरिटी यूनाइटेड इंटरनेशनल, ये चारों संस्थाएं मिलकर एक अलग मुहिम चला रही हैं जिसमें बच्चों की बुनियादों को मजबूत करने के लिए, बच्चों के शिक्षा स्तर में वृद्धि करने के लिए ये मुहिम चलाया जा रहा है. इस मुहिम को 2020 से चलाया जा रहा है, लेकिन कोरोना काल ह्यूमन कनेक्ट एनजीओ भी हमारे साथ इसके में सम्मिलित है, इसके साथ लगे हुए हैं प्रॉपर तरीके से. और ये मुहिम 2020 से चलाया जा रहा है, परंतु इस वैश्विक महामारी के चक्कर में, इस स्थिति में और ये जो कोरोना काल के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारी जो हमारी गतिविधि थी उसमें थोड़ा सा हम रुक चुके हैं प्रॉपर तरीके से. बट उम्मीद है कि आगे भी हम इस तरीके से करते रहेंगे. आज बहुत दिनों बाद हम लोग स्लम में आए हैं. क्लासेस यहाँ पे रेगुलर चल रही है प्रॉपर तरीके से. यहाँ के बच्चों को एक अलग स्पेशल मेथड से क्लासेस दी जा रही हैं. यहाँ पर 2 वॉलंटियर हैं जिनको अपॉइंट करते हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ाते हैं. और हमारे बीच में आज हमारे बीच में संजय मित्तल सर हैं जिनका आज जन्मोत्सव है, जो यहाँ पर मौजूद हुए हैं. आइए 2 शब्द इनसे बात करेंगे. आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, यहाँ के बच्चों की बारे में देखकर आपको कैसा लग रहा है? मतलब ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत क्षण है और मैं बहुत बड़ा सौभाग्य महसूस कर रहा हूँ कि मैं सुनील भाई को और आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरे को तो बहुत ही अपना जन्मदिन ऐसा लग रहा है, आज मेरा दिन बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या इन बच्चों से भारत का भविष्य कहीं ना कहीं आप देखिए तो भारत का भविष्य इन बच्चों से जुड़ा हुआ है, अगर इनकी बुनियाद होगी तो भारत भी अपने उज्जवल भविष्य के साथ में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो शिक्षा की क्रांति में आपका क्या विषय है, आप क्या कहना चाहेंगे शिक्षा क्रांति? नहीं, मेरा ये मानना है कि अभी हम काफ़ी मॉडर्नाइज स्टेज पर जा रहे हैं। हमारा देश नई शिक्षा नीति भी लाया है और ये बच्चे तो बुनियाद हैं, यही बच्चे जाकर हमारा विश्व में नाम रोशन करने वाले हैं। तो मैं बहुत बड़े परिवर्तन को देख रहा हूँ और ये बच्चे हमारे आने वाला कल है। बिल्कुल। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हम आधुनिकरण में मॉडर्नाइजेशन में इतने ज्यादा विलीन हो चुके हैं कि जो गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली जो हमारी परंपरा रही है, धरोहर रही है, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखें तो आप यूएनओ को देख लीजिए या और अंतर्राष्ट्रीय जो दूसरी कंट्री है वो कहीं ना कहीं गुरुकुल शिक्षा विधि को सपोर्ट कर रही है प्रॉपर तरीके से। तो आपका क्या विषय है कि मॉडर्नाइजेशन इस तेजी से जो बढ़ रहा है उसकी वजह से हमारी संस्कृति पे एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं खतरा और कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो चुका है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? यानी मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। इसमें हमें सिर्फ अपने आप को बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। मॉडर्नाइजेशन प्लस जो हमारा ट्रेडिशन है उन दोनों का तालमेल बिठाकर हम आगे चलेंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, धन्यवाद। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. So on behalf of the entire team of The Human Connect and of course me, we would like to wish Mr. Sanjay Mittal a very happy birthday. Happy birthday. And, wish that all your dreams come true. And in fact, knowing the creative side of him, it's something which, of course, we can see through different genres of things which he's doing. But talking about the Human Connect, so if I ask you, Maddy, what is Human Connect for you? What is Human Connect for me? रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है, किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वाओ, अमेजिंग। आप ना बिल्कुल गाते रहा करो। इनफैक्ट मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी, रोज इंस्टाग्राम लाइव करो जिसमें आप सिर्फ गा के सुनो, आई एम श्योर आपके व्यूअर्स बिल्कुल पसंद करेंगे। यार मेरा ना मेरा एक्चुअली मन करता है, पर मैं एक बहुत ही बढ़िया कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग उसे जाके देखें मेरे लिंक्डइन पे। एंड मैंने आपको बताया था कि भाई मैं फैशन के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड भी हूँ, तो मैं उस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो बहुत काम होता है यार अभी और ब्रेन ऑक्यूपाइड रहता है, तो लाइव आने का तो मन मेरा वैसे ही बहुत होता है, बट फिर मैं थक जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ यार चलो अच्छे से करेंगे बाद में, और फिर वो बाद में कभी आता नहीं। बट वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हर ट्यूजडे मैं आऊँ, मतलब एक बार लाइव जाऊँ, बट बाई वीकली बाई मंथली कर दिया मैंने अब उसे, मतलब मंथ में 2 बार कर रहा हूँ। और प्लस यार इतना सारा काम है अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक कंटेंट मेकिंग दिस एंड दैट, उसके बाद कई गाने, कई कितने रोज बर्थडे विश भेज रहा होता हूँ मैं किसी को, हाय सो एंड सो, तो वो इतना ज्यादा हो जाता है कि बाय द टाइम आई रीच एट 9 o'clock ऑफ माई डे ना, मुझे पता है कि भाई खत्म, it's over. ऐसे वाला सीन आता है। And plus I have like 2 lives also where I work as a corporate and then I work as an artist as well. So it's quite difficult to be handled. पर ठीक है, इसी का नाम जिंदगी है और मजा आता है मुझे दिमाग को ऑक्यूपाइड रखने में. तारीफ करूंगी बिकॉज मैडी बीइंग यू नो somebody who is very good in terms of and something जो एक चीज है जो मुझे भी अच्छी लगी that you know being a dear friend and you know when we said that you know human connect is this and we are doing this on Saturdays 1 PM and he took a second. एक तो celebrity में ये भी चीज बड़ी होती है यार कि message करा है तो you have to wait for a day to for them to reply. पता नहीं वो waiting period को कैसे celebrity उसको तोड़ते हैं. एक सेकंड I'm so sorry I'm cutting you over here. भाई first of all अच्छे काम के लिए देरी नहीं करी जाती है. शुभ काम में देरी कैसी, ठीक है. अगर आपकी कोई अच्छी चीज के लिए आपको कोई बुला रहा है और कोई अच्छी चीज करवाने की कोशिश कर रहा है तो why not, राइट? उसमें क्या दिक्कत है? अगर किसी की मदद होती है किसी इस तरीके के किसी शो से तो यार हम तो अवेलेबल हैं, हम तो बात करेंगे इसके बारे में बिल्कुल. और उसके लिए मैं 50 मैनेजर्स को नहीं इन्वॉल्व करूंगा, बट हाँ अगर कोई और बड़ी चीज होगी जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं, देन आई विल नीड माय मैनेजर्स टू हैंडल दैट सिचुएशन फॉर मी. With all of us, I feel that because when it comes to humanity also socially involved, we do get in touch directly. But where it comes to something on a commercial front or something on a career front, then of course we have our own managers. Yeah, मैं managers और PRs तभी use करता हूँ जब मुझे कोई चीज perfectly समझ नहीं आ रही होती. Do you understand? Like what exactly is gonna happen? जब मुझे समझ आ रहा है, मसला clear है, मुद्दा clear है, तो फिर क्या सोचना है इसमें? Let's go and अच्छे काम के लिए भाई मैं I'm giving it a shout out to my own self right now. Anybody wants help about these particular things, you can get in touch with me on my Facebook and possibly can get in touch with Richa on Instagram and both of us, both our Instagram. Big shout out to Radio City for doing this amazing thing. Big shout out to Sanjay Mittal. भाई आपसे मिलने का मेरे को सौभाग्य पता नहीं कब प्राप्त होगा, लेकिन जब भी हो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे आपसे मिलके. और पता नहीं आपने लोगों के ऊपर चांदी के होरे कैसे लगा दिए, मैं तो मिठाई पर रख के खा जाता हूँ उसे. You know the next shoot is pretty lined up pretty soon and we are gonna do that. We will call you too. You see it because it's amazing. While I was putting it and बिल्कुल you know it takes time because हर छोटी और जो तराशी हुई चीज होती है उसको time लगता है. उसको similarly putting work on you know on as an accessory takes lot of time. But जो दो जैसे बोलते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, जैसे बोलते हर exclusive चीज की धीरे धीरे ही मिलता है. That's something which is all about. So on this note, I would request Maddy कि वो अगर गा के या रैप करके इस प्यारे से शो को end करना चाहते हैं. Before that, I will just thank Kailash Silver Leaves and Radio City for this beautiful show. While we for the 8th episode of Human Connect. We will be in touch with you all next Saturday 1 PM with another guest जिनका नाम मुझे पता है but मैं बोलूँगी नहीं. Just wait and watch on our Facebook, Insta, YouTube or you can catch on the email ID which will be mentioned by the production team below. किसी बहुत बड़े शायर जिनका नाम रैपर मैडी है, किसी बहुत बड़े शायर ने ये कहा कि आसमान की तरफ देखा है कभी तो पता होगा बिना बादल बारिश नहीं होती. आसमान की तरफ देखा है कभी तो पता होगा बिना बादल बारिश नहीं होती. जो भी कर मेरे दोस्त सोच समझ के कर, जो भी कर मेरे दोस्त सोच समझ के कर, क्योंकि खुदा की अदालत में सिफारिश नहीं होती. ए ना सोची तेन मुटियारा तू नी रोकी दी, ठीक है ना बस तेरे यारा तू नी रोकी दी. ए ना सोची तेन मुटियारा तू नी रोकी दी, ठीक है ना बस तेरे यारा तू नी रोकी दी. कदे कदे मैनू भी घुमा लिया कर, कदे कदे फिल्मा दिखा लिया कर, सारा साल विचों जे मैं रुस्सां एक बार, कदे कदे मैनू भी मना लिया कर. एक पासे है बब्बू एक पासे है जग सारा, तेरे यार बथेरे ने मेरा तू ही है बस यारा. लैम्बोर्गिनी चलाई जाने हो, लैम्बोर्गिनी चलाई जाने हो, सानू भी छोटा दे दो किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हो, सानू भी छोटा दे दो किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हो. बागे बिच आया करो, बागे बिच आया करो, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਇਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਇਆ ਕਰੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ डर लगदा है चित्रा तो मिलन ते आ जावा डर लगदा है चित्रा तो के तेरा मेरा सीन होने बेबे के तेरा मेरा सीन होने That's about it. Wow, amazing. What a amazing way to end the show and Thank you so much, Maddy, for being part of it. You being the, you know, the most bubbly and most vivacious in terms of being a very active person yourself and happy-go-lucky. So thank you so much, Maddy, for being part of the Human Connect. And I would like to thank you on behalf of Kailash Silver Leaves, Mr. Sanjay Mittal and me, being the host of the show, Richa Mehta. So I hope aapko ye show acha laga ho. I hope आप हमारे साथ जुड़े रहे and we would be meeting pretty soon. Thank you so much for coming on the show. Thank you so much. Thank you so much to the whole team. Thank you so much. Bye. Take care. Bye. Over to the production team.